स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ वॉइस में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक पिशाच की कहानी। तैयार हो जाइए अपने ईयरफोन हेडफोन के साथ इस डरावनी और रहस्यमय घटनाओं के लिए। यह कहानी जहां पिशाच अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, क्या होता है कहानी में? क्या कोई उस पिशाच का सामना करके अपने गांव को बचा पाएगा या उस पिशाच से हार जाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी में। उससे पहले मैं हमारे पुराने वीडियो पर आए कुछ नए दोस्तों का स्वागत करना चाहते हैं जो हमारी कहानियां सुनते हैं। उनके नाम और शहर इस प्रकार है: विनोद वारे औरंगाबाद महाराष्ट्र से, मयंक भोपाल से, सत्या मुंबई से, शुभम इंदौर से और नेहा ओडिशा से। अगर आप भी हमारे चैनल पर अपना नाम चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हमारी कहानी पर। मैं संदीप, आज मैं मेरी पर्सनल डायरी का आखिरी पन्ना लिख रहा हूं। मेरी मां ने मुझसे कहा था, बेटा एक दिन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़नी है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आने वाली मामूली रुकावटों से कभी डगमगाना नहीं। तो आज ही का वह दिन है जब मैंने वह जंग जीत ली है और इंतजार कर रहा हूं सूरज के निकलने का, ताकि मैं सूर्योदय देख सकूं। अगर मैं आज उस शैतान को रोकने में नाकामयाब होता तो हो सकता था वह पूरे गांव को निगल जाता। साल है 1868। मुझे मुंबई के बॉयज हॉस्टल में दादाजी का खत मिला कि मुझे अहमदनगर में बदनेर नामक गांव में तुरंत बुलाया है। मैं वहां शाम 7 बजे पहुंचा। बस स्टैंड पर मुझे लेने के लिए बाबू काका आए थे। स्टैंड पूरा सुनसान था, लग रहा था वहां कोई रहता है भी कि नहीं। बाबू काका मुझे ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी लाए थे। वो मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, क्योंकि मेरे जन्म के बाद दादाजी ने मुझे माता पिता के साथ गांव से दूर भेज दिया था। मुझे देखते ही बाबू काका मेरे पास आकर बोले, आप छोटे सरकार हो ना पाटिल घराने के वारिस? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूं। बाबू काका ने कुछ ही मिनटों में मेरा सामान घोड़ा गाड़ी में रख दिया और मैं चल पड़ा हमारी पुश्तैनी हवेली की तरफ। तकरीबन 20 मिनट चिल्ल चिल्लाती ठंडी हवा का मजा लेते हम हवेली पहुंचे। वहां पहुंचने पर मेरा पहला सवाल था कि मेरे दादाजी कहां हैं? काका बोले, अभी वह सो रहे हैं, आप उनसे कल सुबह मिल सकते हैं। अभी आप हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खाकर आराम कीजिए। जब मैं हवेली की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था, तब मेरे मन से मुझे अंत चेतना मिल रही थी कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भयानक होने वाला है जिसके बारे में मेरा मन कल्पना नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया। बाबू काका की पत्नी वीरांगना काकी ने मेरे स्वागत में बहुत सारे पकवान बनाए थे। मैं खाने पर इस तरह से टूट पड़ा जैसे कि हफ्ते भर से खाना नहीं खाया हो। खाने के बाद मैं आंगन में टहलने लगा। मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, इतने सालों बाद दादाजी ने अचानक इस तरह जल्दी में क्यों बुलाया और अपने एक लौते नाती को लेने वह खुद क्यों नहीं आए? इन सब में मन यादों की गहराई में कुछ ढूंढ रहा था। बाबू काका ने मुझे मेरा कमरा दिखाया जो कि एक बेडरूम कम पुस्तकालय ज्यादा था। मुझे कमरे में ले जाने के बाद वह बोले कि यह आपके पिताजी का कमरा था, उनका बचपन यही गुजरा था और आज से यह आपके हवाले। इस कमरे में आपको आपके पूर्वजों का इतिहास और रहस्य मिलेंगे। किताबों से मुझे लगाव था ही, तो मेरा भी मन वहां लग गया। जगह न होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने किताबों को छानना शुरू कर दिया। किताबों को बनाते वक्त एक चीज मेरे निरीक्षण में जल्द ही आई। वहां पर सारी किताबें नर पिशाच और गुप्त धन के विषय में थी और एक भी किताब के ऊपर किसी लेखक का नाम या फिर किसी प्रकाशक का नाम नहीं था। सारी किताबें हाथ से लिखी थी और सबके कवर भी हाथ से चित्र निकाले हुए थे। उन किताबों की अलमारी को चेक करते करते जब मैंने अलमारी के निचले हिस्से की आखिरी किताब को निकाला, तभी जमीन पर अचानक से एक दरवाजा खुल गया। अचानक से खुलने वाले दरवाजे की वजह से मैं हड़बड़ा गया था। मैंने किताबें वहीं छोड़ी और उस तहखाने के पास गया और जब मैंने अंदर झांक कर देखा, तब मुझे नजर आए मेरे दादाजी राजा राम पाटिल। वो बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तहखाने की सीढ़ियों से जैसे जैसे नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे अंदर ठंड बढ़ रही थी। मेरे नीचे पहुंचने के बाद दादाजी ने दीवार पर एक सुनहरी चाबी लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं उनके साथ तहखाने के अंदर गया। वहां जो देखा वह देख के मेरी रूह कांप गई। वहां पर अधमरी हालत में एक नर पिशाच चांदी के पिंजरे में कैद था। मैंने दादाजी को पूछा कि यह सब क्या बला है? वो बोले, यह शैतान का श्राप है और इस श्राप को तुम्हें मिटाना है, क्योंकि तुम उस भविष्यवाणी का हिस्सा हो जो 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने लिखी थी। तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो संदीप।
वह सब सुनकर मुझे झटका सा लगा, पर मैंने अपने मन को पक्का कर लिया। फिर दादाजी मुझे तहखाने के दूसरे कमरे में ले गए। उन्होंने ने मेरी आंखों में देखा और बोले, संदीप तुम कुछ पूछो, इससे पहले ही मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूं। हम दोनों एक चबूतरे पर बैठ गए और दादाजी ने कहानी बताना शुरू किया। वह बोले, आज से ठीक 100 साल पहले बदनेर एक हंसता खेलता बढ़ती आबादी वाला गांव था। सब तरफ खुशहाली थी। तुम्हारे परदादा गांव के सबसे अमीर और विद्वान आदमी थे। सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस गांव पर कोई भी आपत्ति आए तो सबसे पहले तुम्हारे परदादा यशवंतराव पाटिल मदद के लिए आगे आते थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन सुबह यशवंतराव और उनके छोटे भाई संग्राम दादा खेत में खुदाई कर रहे थे। उसी वक्त यशवंतराव को एक बड़ा संदूक मिला जिस पर चांदी के अक्षरों में कुछ लिखा था, पर वह भाषा उनको पढ़ने नहीं आती थी। उन्होंने वह संदूक फिर से वहीं दफनाना चाहा, पर उनके भाई संग्राम उनकी सुनने वालों में से नहीं था। उसे गुप्त धन पाने की गहरी तमन्ना थी, इसलिए वह संदूक उसने हवेली के भीतर जबरदस्ती लाया और दिन रात उसी संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा, पर संग्राम की हर कोशिश नाकाम रही। यशवंतराव अपने भाई की इस हरकत से नाराज और ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि वह संदूक अगर खुल गया तो कोई बड़ी आफत आना तय है। फिर यशवंतराव ने अपने पूरे परिवार को आगाह कर दिया कि कोई भी उनके आदेश के बिना संग्राम के कमरे में कदम नहीं रखेगा। यशवंतराव ने संग्राम से बात करने की कोशिश भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। संग्राम अब बदल सा गया था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था। यशवंतराव अब परेशान से रहने लगे थे, क्योंकि संग्राम अब उस मनहूस संदूक के हवाले हो गया था। एक दिन दोपहर को यशवंतराव ध्यान करने बैठे थे, तभी उनकी पत्नी आशा ताई यानी कि तुम्हारी परदादी उनके पास आई और डरे हुए स्वर में बोली कि संग्राम को मैंने बिल्ली की गर्दन से खून पीते हुए देखा है। अपनी पत्नी की कही बात पर यशवंतराव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बोले कि अब वह हमारा संग्राम नहीं रहा। फिर उसी शाम को हवेली के ऊपर बहुत सारे चमगादड़ मंडराने लगे थे। वातावरण में अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी थी। वो रात पूरे परिवार ने पूजा घर में ईश्वर के नाम स्मरण में बिताई। फिर अगले ही दिन यशवंतराव ने संग्राम को उस संदूक के साथ हवेली से बाहर निकाल दिया। और कहते हैं ना, शैतान को उसके जैसे शैतानों का सहारा मिल जाता है। उसी तरह गांव में संग्राम के कुछ समर्थक भी थे जो उसके साथ जुआ और शराब खाने में वक्त बिताया करते थे। वह सब किसी भेड़ के झुंड की तरह उसके साथ चले गए और उन्होंने गांव की लक्ष्मण रेखा के बाहर चमगादड़ पहाड़ी पर एक प्राचीन गुफा को अपना शैतानी ठिकाना बना लिया। जब वह सब पहाड़ी पर चले गए तब कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, पर उसके बाद में गांव वालों के गाय भैंस बैल बकरियां गायब होने लगे। और एक दिन जब सभी लोगों ने मिलकर लापता जानवरों को ढूंढा, तब गायब हुए जानवरों की लाशें चमगादड़ पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में मिली। उन सभी मरे हुए जानवरों के शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं होती थी। तब से पूरा गांव खौफ के साए में जीने लगा। और जब जानवर लगभग खत्म हो गए तो एक अमावस की रात अचानक बच्चे गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया, पर उन नन्हे बच्चों की लाशें कभी नहीं मिल पाई। इस तरह गांव की आबादी कम होने लगी थी। उस भयानक डर के मंजर को देखकर लोग अपने परिवार के साथ गांव छोड़ के जाने लगे थे। लेकिन एक दिन सुबह यशवंतराव आंगन में बैठ के रामायण पाठन कर रहे थे, तभी उनके सामने अचानक कहीं से एक साधु महाराज प्रकट हुए। उनका कद तकरीबन 6 या 6.5 लंबा था। शरीर से महाबलवान थे। उन्होंने राम का नाम लिया और कहा, यशवंत मेरे पीछे आओ, तुम्हारे दादाजी जैसे सम्मोहित हो गए थे। वह साधु महाराज उन्हें उसी जगह ले गए जहां से उस मुसीबत की शुरुआत हुई थी और उन्हें ये आदेश दिया कि उसी जगह और 10 फीट नीचे तक खुदाई करो, वहीं पर तुम्हें उस शैतान को परास्त करने का रहस्य मिलेगा। पर इस बार तुम सिर्फ उसे कैद कर पाओगे, क्योंकि उस शैतान के अंत का समय तुम्हारे परपोते के हाथों से लिखा हुआ है और यही विधि का विधान है। इतना कह के वह बलवान साधु महाराज पूर्व दिशा में अंतर्ध्यान हो गए। जब यशवंतराव ने वहां 10 फीट खुदाई की तब उन्हें एक चांदी के सितारे के आकार का संदूक मिला। उन्होंने उस संदूक को घर लाया और पूजा विधि करने के बाद ही खोला। उसमें उन्हें चांदी के 3 खंजर, चांदी की चेन और एक किताब मिली। किताब संस्कृत भाषा में थी और यशवंतराव संस्कृत भाषा जानते थे। उन्होंने उस किताब को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि चंद्र ग्रहण की रात को उस शैतान को आजाद करने की विधि पूरी की जाती है। उसके लिए एक कुवारी लड़की की बलि देकर उस शैतान को आजाद किया जाता है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह शैतान सारे इंसानों को अपनी तरह पिसाच बना देगा, और इस बला को रोकने के लिए उसे चांद की रोशनी के नीचे चांदी के खंजर से उसके दिल पर वार करना होगा।
परंतु एक खंजर से केवल एक ही बार शैतान पर वार किया जा सकता है। ये सब पढ़ने के बाद यशवंतराव चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्र ग्रहण उसके दूसरे दिन ही था। यशवंतराव ने सरपंच पर भरोसा करके कुछ खास मित्रों की सभा बुला के एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने गांव में मौजूद हर एक कुंवारी लड़की को गांव से दूर भेज दिया, पर लड़कियों को सुरक्षा में ले जाने वाले विश्वास राव ने घात किया और संग्राम की ही नाबालिग बेटी को रसम पूरी करने के लिए अगवा कर लिया। फिर गांव में जैसे आतंक सा फैल गया था, अब कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस डर से गांव वाले घरों में ही दुबके बैठे रहे। उस वक्त यशवंत राव के लिए चुनौती दोगुनी हो गई थी। अब तक सामना भाई से था, अब शायद साक्षात नरपिशाच से होने वाला था। चंद्र ग्रहण का इंतजार उस चांदी के संदूक में, चांदी के तीन खंजर में से यशवंत राव ने एक अपने पास रख लिया, और शैतान को बंदी बनाने के लिए उस संदूक में एक चांदी की चेन थी, वो भी उन्होंने साथ में रख ली। रात को चंद्र ग्रहण 12 बजे से 1 बजे तक चलने वाला था। उन्होंने अकेले ही जाने का निर्णय लिया। जाने से पहले उन्होंने मुझे नजदीक बुलाया और साधु महाराज की भविष्यवाणी के बारे में समझाया, और अंत में इस गुप्त तहखाने के चाबी और वह दिव्य चांदी का संदूक मेरे हाथ में देकर निकल पड़े अकेले ही शैतान को रोकने। चंद्रमा पर ग्रहण लगने में कुछ ही घंटे शेष थे। रात में लालटेन हाथ में लिए वह अकेले ही पहाड़ चढ़ रहे थे। पहाड़ पर इतनी शांतता थी कि जरा सी आहट से रूह कांप उठती थी। खतरा किसी भी दिशा से आ सकता था। यशवंत राव राम रक्षा का पठन करते हुए बड़ी सफलता से पहाड़ चढ़ रहे थे। जब वो पहाड़ी की चोटी के थोड़ा करीब पहुंचे, तब वहां पर संपत उनकी राह देख रहा था, जो कभी उनके साथ पाठशाला में पढ़ता था। पिताजी ने उसका सर तलवार से धड़ से अलग कर दिया। उसका सर धड़ से अलग करते वक्त पिताजी की आंखों में आंसू थे। फिर वह पहाड़ी की चोटी के थोड़ा और नजदीक पहुंचे। वहां उनके उन्हें चचेरे भाई आत्माराम को मारना पड़ा। अब सिर्फ संग्राम से मिलना शेष था। तकरीबन 12:15 बजे यशवंत राव पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। उस वक्त चंद्र ग्रहण में कुल 20 मिनट बाकी थे। तुम्हारे परदादा उस भूतिया गुफा में दाखिल हुए। वहां पर घुप अंधेरा था, इसलिए उन्होंने गुफा में लगी छोटी छोटी मशाले जलाई। तभी उन्हें जो भयंकर नजारा सामने दिखा, उसे देखकर उनकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि गुफा में अब तक गायब हुए बच्चों की हड्डियों के कंकाल थे और कुछ आधी खाई हुई लाशें भी थीं। अब जंग आर पार की थी। कुश्ती में संग्राम यशवंत राव से कभी जीता नहीं था, इसलिए समय निकालने के लिए ही संग्राम ने उसके साथियों की मदद बुला ली थी। उन सब से लड़ते हुए यशवंत राव बुरी तरह से घायल हो गए थे। तब तक ग्रहण शुरू हो चुका था और संग्राम ने शैतान को जगाने का अनुष्ठान लगभग पूरा कर लिया था, और अनुष्ठान के अंतिम चरण में वह अपने खुद की बेटी की बलि देने ही वाला था। तभी यशवंत राव ने चांदी का वो खंजर उसके दिल के आर पार कर दिया। उसके दर्द और चीखने की आवाज से नरक की दीवाले गूंज उठी। लेकिन कहते हैं ना, जिन पर हम भरोसा करते हैं वही हमारे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी तरह गांव के सरपंच ने अचानक पीछे से वार किया और यशवंत राव के पीठ में उस प्राचीन संदूक में मिला हुआ दूसरा चांदी का खंजर घोंप दिया। यशवंत राव ने जमीन पर गिरते सरपंच से इस विश्वासघात का कारण पूछा। तब उसने शैतान की तरह हंसते हुए बताया कि ये अनुष्ठान पूरा करने के बाद वह उस नरक के शैतान से हमारे गांव के नीचे गड़ा हुआ गुप्त धन उपहार में मांगने वाला है। और अगले ही पल सरपंच ने कुवारी कन्या बलि का अनुष्ठान पूरा कर दिया और उस गुफा में जंगली चमगादड़ों के झुंड जमा होने लगे। गुफा में कुछ देर के लिए भूकंप के झटके भी लगे थे। यशवंतराव घायल स्थिति में वहां से गिरते पड़ते बाहर निकले और उस गुफा का मुंह एक विशाल पत्थर धकेल कर बंद कर दिया। फिर गुफा को चांदी की चेन और शक्तिशाली मंत्र सिद्धि से बंद कर दिया और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। परंतु मरते हुए यशवंत राव ने गुफा के पत्थर पर अगले चंद्र ग्रहण की तारीख लिखी, जो ठीक 100 साल बाद होने वाला था, और उस पर लिखा तुम्हारा नाम, जिसके हाथों उस शैतान की मृत्यु लिखी है, और वह तारीख कल है। मैंने सवाल किया, शैतान उस गुफा से बाहर भी तो सकता था। तब दादाजी बोले, मेरे पिताजी यशवंत राव जी को 4 वेद और 18 पुराणों का ज्ञान था। उन्हें शक्तिशाली मंत्र विद्या अवगत थी। उसके प्रयोग से उन्होंने उस शैतानी गुफा को मंत्र सिद्धियों से बंद कर दिया था, जिस वजह से वह शैतान उस गुफा से बाहर नहीं आ सकता। उसे बाहर आने के लिए चंद्र ग्रहण की जरूरत है, तभी वह अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा। पर वह नरक का पुजारी आज भी अपने काम उसके चेलों से करवाता है। उसी का नमूना तुमने अभी पिंजरे में देखा है। अब तुम ही हो हम सबकी आखिरी उम्मीद। चंद्र ग्रहण पूरा होने के बाद तुम्हें उस खूनी पिशाच को चांद की रोशनी के नीचे
उस आखिरी चांदी के खंजर से मारना होगा, पर मौका सिर्फ एक और वार सीधा दिल पे करना होगा। अब तीनों खंजरों में से सिर्फ एक ही बचा है और ये सिर्फ एक बार ही काम आएगा, और तभी जब इस पे चांद की रोशनी पड़ेगी। अगली रात ही चंद्र ग्रहण था। दादाजी की हालत अब खराब हो रही थी क्योंकि उन्हें एक पिसाच ने काट लिया था। अब शायद वो भी पिसाच बनने वाले थे, तो दादाजी बोले कि मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक ही था। अब इस गांव की तकदीर तुम्हारे हाथों में है। और अगले ही पल दादाजी ने जेब में से एक कांच की शीशी निकाली और उसे पी गए, और हंसते हुए मेरी बाहों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। मैं शोक, चिंता और अपनों को खोने का गम सीने में दबाए हुए पूरी रात वही बैठा रहा। सुबह दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ। अब मेरे साथ अपनों के नाम पे सिर्फ बाबू काका ही थे। वही मेरे सारथी बनकर चल पड़े मेरे साथ उस नरक के शैतान को हराने। चंद्र ग्रहण इस बार भी 12 बजे ही था, पर अब की बार शैतान खुद सामने आने वाला था और उसे मारने का मौका सिर्फ एक और दांव पे पूरा गांव। ये सब जैसे जैसे याद आ रहा था, दिमाग में तनाव बढ़ रहा था। फिर मैंने अपने सांसों पे ध्यान एकाग्र किया और दिमाग में सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा कि आज उस पिशाच का शिकार करके इस गांव को वापस बसाऊंगा और अपने दादाजी की मौत का बदला लूंगा। बाबू काका हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे। हम बड़ी सफलता से पहाड़ चढ़ने की गति बढ़ा रहे थे। मैंने काका से कहा कि अच्छा है, कोई बाधा नहीं आ रही। पर मैं गलत था, मुसीबत पहाड़ पर हमारा इंतजार पहले से ही कर रही थी। बाबू काका बोले कि सामने जो इंसानी पिसाच खड़ा है वह नंदू है। पिछले हफ्ते ही इसे पिसाच ने काटा था, तब से वह गायब था। मैंने कमर से तलवार निकाली और उस पर वार करने ही वाला था, तभी बहुत सारे जंगली चमगादड़ों ने हम पर एक साथ हमला कर दिया, जैसे कि उन्हें किसी ने हमें रोकने का आदेश दिया हो। हम थोड़ा पीछे हट गए। किस्मत से बाबू काका के पास इसका उपाय पहले से ही था। उन्होंने जेब में से लकड़ी की छोटी डंडी निकाली और सीटी की तरह उसे फूंकना शुरू किया, और फिर किसी चमत्कार की तरह सारे चमगादड़ वापस चले गए। लेकिन सामने खड़ा नंदू उसी वक्त मुझ पर कूद पड़ा। वह मुझे अपने नुकीले दांतों से काटना चाहता था ताकि मैं भी उन जैसा बन जाऊं, पर मैंने उसके मुंह में पत्थर भर दिए और उसके जबड़े पे एक जोरदार मुक्का मारा, जिस वजह से वह पत्थर उसके पेट में चले गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। तभी काका बोले, जल्दी करो, हमें ऊपर भी पहुंचना है। और मैंने म्यान से तलवार निकालकर नंदू का सिर धड़ से अलग कर दिया। मैं जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब तक चंद्रग्रहण शुरू हो चुका था और वह शैतानों का सरताज एक बड़े काले पत्थर के ऊपर मेरी ओर पीठ करके बैठा था। वह मौत का मंजर देखकर मेरे दिल में बिजली का झटका सा लगा, जिससे मुझे डर और ताकत का एहसास एक साथ हुआ। शैतानों का बादशाह मेरी ओर पीठ करके चंद्र ग्रहण के आखिरी पल गिन रहा था और शायद अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। बाबू काका छोटी पर पहुंचने से पहले ही मुझे इशारा करके छुपके से घनी झाड़ियों में चले गए थे। मैं आगे चलते चलते उसकी पीठ के सामने जाके खड़ा हुआ। चंद्र ग्रहण खत्म होने में थोड़ा सा समय बाकी था, तभी वह एक अजीब और जानलेवा आवाज निकलते हुए पीछे मुड़ा। जब उसने मुझसे नजरें मिलाई, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। वह नर पिसाच उठ के दो पैरों पर खड़ा हुआ। उसका कद तकरीबन 7 फीट का था, कान लंबे और नुकीले, तेजाब सी लाल आंखें थीं, सिर पे एक भी बाल नहीं, हाथ पांव बांस की लकड़ी जैसे पतले पर मजबूत, मुंह किसी जंगली चमगादड़ जैसा था और उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। न जाने कितनी सदियों से भूखा था। मेरी नजर उस पे ही थी, वो धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। मैं भी तैयार था। वो मेरी और किसी जंगली भेड़िए की तरह झपटा एक बड़ी छलांग लगाते हुए। वह मुझ पर कूदा, मैं उसका निशाना चुकाकर आगे निकल गया, क्योंकि मैं बस समय निकाल रहा था। चंद्र ग्रहण खत्म होने में बस कुछ ही पल बाकी थे और तभी मैंने उस शैतान को ललकारा, बस शैतानों के बादशाह इतना ही कर सकता है तू। मेरे यह शब्द सुनने के बाद वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही भड़का दिया है। वह आसमान की तरफ देखकर दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ इतनी डरावनी थी कि मेरे दिल की धड़कनें 2 गुना तेज हो गई थी। मैं उसकी बैठने की जगह पर जाकर खड़ा हुआ। तब तक ग्रहण खत्म हो चुका था। चांद की रोशनी जमीन तक आने लगी थी। मैंने कमर से खंजर निकाल के आसमान में चांद की रोशनी में चमकाया और डट के उसकी आंखों से आंखें मिलाई। वह गुस्से से तिल मिला रहा था। तब तक मेरी योजना अपने अंतिम चरण में थी और मेरे पीछे खड़े थे बाबू काका, जो अपना काम कर चुके थे। उन्हें मैंने संदूक लाने भेजा था, जो कि शैतान का जन्म स्थान है। उसके जरिए ही वह इस दुनिया में आया था और उस शैतान का दिल उसके सीने में नहीं बल्कि उस बक्से में छुपाया गया था। यही वो पल था जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था।
बाबू काका ने संदूक में से वह धड़कता हुआ काले खून वाला दिल निकाल के मेरी ओर फेंका। उसी वक्त मैंने भी उस दिल की तरफ बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और वह नर पिसाच भी अपनी पूरी शक्ति से मेरे पीछे झपटा। पर इस बार इंसानियत का पलड़ा भारी था और मेरे हाथ के खंजर से शैतान का धड़कता हुआ दिल बीच में से कट गया। पर अनहोनी अभी बाकी थी, शैतान ने मरते मरते मुझे काट लिया है। बाबू काका छोटे सरकार कहते हुए मेरे पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मेरा काम पूरा हुआ काका, अब गांव वापस बस सकता है। मेरे पास समय कम है, क्योंकि वो दंश नर पिसाच का है, जिसका मौत के अलावा कोई इलाज नहीं। मैं एक पत्थर को पीठ लगा के बैठा हूँ और बाबू काका को अलविदा कह दिया है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी नर पिसाच बन रहा हूँ। मेरी बात मान के काका गांव को सूचित करने निकले हैं। सूर्योदय में कुछ ही क्षण बाकी है और मैं अपनी पर्सनल डायरी में मेरी जिंदगी के आखिरी शब्द लिख रहा हूँ और मेरे सामने पड़ा है वही तीसरा खंजर, जिस पर शैतान के बाद अब मेरा खून लगने वाला है। अलविदा प्यारी दुनिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी नई डरावनी और दिलचस्प कहानियां आप सुन सके। मिलते हैं हमारी नई कहानी में, जब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।